जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की पहली वर्षगांठ पर अलगाववादी और पाकिस्तानी परस्त गुट काला दिवस मनाने और हिंसक प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इसी को देखते हुए श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं इससे पहले कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण पूरी घाटी में 5 अगस्त तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पवित्र छड़ी को रक्षाबंधन वाले दिन हेलीकॉप्टर के जरिए श्री अमरनाथ गुफा तक ले जाया गया और पूजा अर्चना की गई, जहां आज सुबह लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम में पूजन और विसर्जन के साथ श्री अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। 5 अगस्त को 370 और 35 को हटाए पूरा साल होने जा रहा है। आतंकी छटपटा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के उद्देश्य से कोई न कोई आतंकी कार्रवाई करने की कोशिश में है। इसी क्रम में कश्मीर घाटी श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के पेट्रोल पंप टप्पर पटन के पास 29 आरआर की रोड ओपनिंग पार्टी को पुली के नीचे आईडी बरामद हुई, जिसे तुरंत सेना की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने निरस्त कर दिया। नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुबह फिर पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की सेना ने जिला पुंछ के कृष्णा घाटी में भारी गोलाबारी कर मोर्टार भी दागे, ताकि वो आतंकियों की घुसपैठ करा सके। वहीं भारतीय सेना ने उसका इस हरकत पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पूरी दुनिया इस बीमारी की दवा इजाद करने की पूरी ताकत से जुटा है। ऐसे में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी ना मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 अगस्त को जिम और योग संस्थान खोलने जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि स्पा, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। एप्स और कलर टीवी बैन करने के बाद केंद्र सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रिंटिंग प्लेट्स पर 5 साल तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। ये फैसला घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा देने के मद्देनजर किया गया है। राम मंदिर का कल भूमि पूजन कार्यक्रम होना है। 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह जैसे बुजुर्ग नेता कोरोना वायरस महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या में राम मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.65% ऊपर उठकर 37,181.51 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक का निफ्टी 0.65% की बढ़त के साथ 10,962.55 के स्तर पर खुला। पिछले वर्ष 5 अगस्त के बाद से नई यूटी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और अलगाववादी हिंसाओं की घटनाओं में कमी आई है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से आतंकी फंडिंग पर रोक लगी है। जो अलगाववादी युवाओं को हिंसा भड़काने के लिए आह्वान करते थे, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और उनके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और अगले 2 दिन तक लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले सामने आए और 803 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18,55,746 हो गया है, तो वहीं अब तक 38,938 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मार से शहर छोड़ अपने गांव लौटे प्रवासी मजदूर वापस आने की बात जो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 29% प्रवासी मजदूर अब तक शहरों में वापस आ चुके हैं, जबकि 45% आने की तैयारी में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल रोजगार की कमी होने के कारण दोबारा पलायन करने पर ये प्रवासी मजदूर मजबूर हैं।
सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए हैदराबाद में 3 लाख कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही हैदराबाद दुनिया के टॉप 20 शहरों की सूची में 16वें स्थान पर है और देश में पहले स्थान पर। ब्रिटिश स्थित कंपैरेटिव के एक सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार के आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटाइन किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जांच की पारदर्शिता के बारे में लोगों के बीच केवल अविश्वास ही उत्पन्न करेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को सुलझाने की बजाय ऐसा व्यवहार लोगों में आक्रोश को बढ़ाएगा।